साथियों, नया सीखने के साथ हमें उन गलतियों को भुलाना भी होगा पड़ेगा जो खेती के तौर तरीकों में आ गई है। जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से धरती अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जाती है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी को, और ये बात समझने जैसी है, जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है तो वो ईंट, और वो ईंट इतनी मजबूत बन जाती है कि इमारत बन जाती है, लेकिन फसल के अवशेषों को जलाने की हमारी यहां परंपरा सी पड़ गई है। पता है कि मिट्टी तपती है तो ईंट बन जाती है, फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं। इसी तरह एक भ्रम ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के ये फसल अच्छी होगी ही नहीं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पहले केमिकल नहीं होते थे लेकिन फसल अच्छी होती थी। मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद कृषि युग में मानवता सबसे तेजी से फली फूली आगे बढ़ी, क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी, लगातार लोग सीखते थे। आज औद्योगिक युग में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, कितने साधन हैं, मौसम की भी जानकारी है। अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहास बना सकते हैं। दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परेशान है, उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंपरागत ज्ञान के द्वारा उपाय दे सकता है। और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से, दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना। केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही हो, आलस न करता हो, ऐसा किसान कभी परेशान नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से, दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने को। केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गोमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है, ना साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी कम लागत ज्यादा मुनाफा।
यही तो प्राकृतिक खेती। जब दुनिया ऑर्गेनिक की बात करती है, नेचुरल की बात करती है, आज जब बैक टू बेसिक की बात होती है, तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पड़ती है। उनका पशुधन का हित जानता हो, मौसम समय के बारे में जानता हो, बीज के बारे में जानकारी रखता हो और आलस न करता हो, ऐसा किसान कभी परेशान नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। ये एक श्लोक नेचुरल फार्मिंग का सूत्र भी है और नेचुरल फार्मिंग की ताकत भी बताता है। दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परेशान है, उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंपरागत ज्ञान के द्वारा उपाय दे सकता है।